क्या जो टकोर गांव है? अरे यार काफी दूर निकल आए हम लोग तो रेस करते करते। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले ब्लॉग काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं और आज देखो अपनी आयरन पाइप भी जो कहते हैं एकदम चकाचक हो चुकी है। और आज देख रहे हो लाइनअप, देखो भाई लाइनअप देखो वहां से लेके भाई आज तो जो है अपनी रॉयल एनफील्ड की और जो भी हो मैट्योर हो जो भी हो अभी पता नहीं है मेरे को उसके बारे में इतना। तो आज यार होने वाला है बहुत ही तगड़ा ब्लॉग और आई होप कि आप लोगों को इस ब्लॉग में मजा आएगा, बहुत दबा के मजा आएगा क्योंकि अब देखते आओगे आप होना क्या वाला एकदम तबाही ब्लॉग होने वाला है। और अपने भाई आज अपना नया जो यूट्यूबर बनाया है वो आज अपना यूट्यूब यूरे ब्लॉग नहीं बनाएगा, तू ब्लॉग नहीं बनाएगा, ऐसे ब्लॉगर बनेगा। तो भाई इसका भी मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका भाई का भी नया चैनल है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अभी एक भाई अपना और नया ज्वाइन करने वाले हैं, भाई जल्दी से ज्वाइन करो, हमें इंतजार है आपका। अभी मार्केट होते हुए रिएक्शन लेते हुए जाते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। भाई अभी तो वाला लगाने लगे ये तो भाई रेस नहीं करनी है भाई साहब, रेस नहीं करनी है, रेस नहीं करनी है। चार बाइकों में लगा हुआ है, बाइक की अभी जो है ना तो उसमें नहीं लगा हुआ है, मेरे में भी लगा हुआ है स्टॉक है। अरे अरे उड़ कहाँ रही है। तो ये रही भाई स्लिप, इसमें लिखा है क्या ना टोल वोल कट गया, बाकी लोगों का कट रहा है भाई, टोल देख रहे हो भाई क्या ही मजेदार है, मतलब मजा आ जाता है भाई ऐसे जो एक्सप्रेस वे देख रहे चौड़ा देखो भाई कैसे भी भगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बाइक चलाना आना चाहिए। चालू होती है हम लोगों की रेस, क्योंकि रेस होना था आगे से, तो अभी थोड़ा देर जो पैच मिलता है तो उसमें हम लोग रेस करने वाले होते हैं, तो इतने में मैं एक्सलेटर खींच देता हूँ कि फिर मेरे माइक से जो आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है, इसलिए मुझे ओवर लेकरना पड़ता है। और मैं चल रहा हूँ सबसे आगे तो सब मुझे फॉलो कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर मुझे दो टर्न मिलते हैं तो मैं पहले वाले टर्न पर डाल लेता हूँ जो कि बैक वाला रास्ता होता है, मतलब अब जैसे ही एक्सप्रेस वे लौटेंगे ना तो ये वही रास्ता था, तो हम भी घुसे तो मेरे पीछे पीछे जितने भी थे वो भी सब लोग वापस आ गए। गलत डाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग मुड़ के और फिर से निकल जाते हैं सही वाले रोड पे और आगे जाके हम लोग जो है करने वाले हैं ड्रैग रेस, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अभी थोड़ा सा लीन मारते हैं। तो लीन में देखो यार क्या ही लीन कर रही है, 90-95 के स्पीड में देखो यार एकदम, तो मुझे सफ़ेद पट्टी पर नहीं चढ़ाना हुआ है क्योंकि सफ़ेद पट्टी पर टायर स्लिप कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चढ़ाता हूँ, स्लो कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए बारी बारी से वन करके ये लोग आगे निकल जाते हैं, फिर मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद देखिए अब क्या होता है। V3 और हॉर्नेट 160 अपनी, भाई कौन सी है
हंटर 350 भाई की, एनएस जो है पल्सर 160 है, आरसी 200 है, एमटी 15 है, तो देखते हैं आज कौन जीतता है। और तड़ाकेदार, हमें तो पूरा यकीन है अपनी बाइक जीतेगी, क्योंकि हमें 3-1 कौन मारेगा, 3-1। सबसे पहले मैं इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं जो हेलमेट का वाइजर नहीं लगा पाया था, उसके बाद मैं वाइजर लगाता हूँ और उसके बाद रेस देता हूँ, तो फिर देखिए आप मेरा क्या ही मतलब परफॉर्म करती है बाइक यार, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस R15 की भाई। अभी तक सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनलों पर ही लोगों के वीडियो में देखा था, लेकिन आज जो मैंने रियल देखा है भाई, क्या ही भाग रही है, गजब यार, मज़ा आ गया भाई। आप भी देखो बारी बारी से एक बाई एक मतलब सबको पीछे छोड़ दिया इसने भाई, क्या ही टॉप स्पीड लेके गई है। सिर्फ 155 सीसी का सिलेंडर है इसमें और इसकी टॉप स्पीड आप देखो कहाँ तक जाती है, इतना किसी गाड़ी में नहीं जाती है, अनबिलीवेबल R15। भाई R15 के बराबर ही समझो इसको भी, क्या डकोर गांव है। अरे यार काफी दूर निकल आए हम लोग तो रेस करते करते है। हाँ यार पता नहीं चला डकोर कब आ गए। ओ भाई चलो अभी आगे, भाई लोग बता रहे हैं कि आगे जाके टर्न है, तो वहाँ से टर्न लेते हैं और फिर चलते हैं अपने अपने उराई वाले टोल पे, तो वहाँ पे जो है विली इली वगैरह मारेंगे। वीली देखो वीली, ओहो आराम से, पीछे कलर जो उठा रहा है, पिछले मेरे को बहुत आ रहा है, ये पहली बात तो उठा नहीं, तुम्हारा वजन बहुत है। भाई नहीं उठा रहने दो, जिंदगी फाइनली हो चुकी है बिली टिली गिली। सनी भाई को हमने दे दी अपनी R1 और हम चलाने वाली हैं सनी भाई की जो है KTM 200, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर रही है, ठीक है। तो बाकी का लोग जो कहते हैं अपने अपनी बाइकों पे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का। इसमें लिखा है किल स्विच, ओके हाँ यार ये सही चीज़ है, ये अच्छा फीचर है। देखो अभी किल स्विच ऑफ है, यहाँ लिख के आ रहा है किल स्विच, इसको ऑन करेंगे, यहाँ लिख के आ रहा है, देखो चालू हो गई अपने, तो स्टार्ट करते हैं। जूता वगैरह भी डला है, ओहो एग्जॉस्ट, सुनो भाई एग्जॉस्ट सुनो भाई, भाई साहब मतलब इसका सस्पेंशन भाई क्या ही लग रही है, अब हो गई ये दिक्कत। क्या ही लग रही है, क्या ही उठ रही है, देख रहे आलसी थी वो नहीं उठ रही थी, या तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है या मुझे उठाना नहीं आता, लेकिन मेरे से तो नहीं उठ रही थी, लेकिन यार चलने में क्या ही स्मूथ थी R15 की तरह, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मैंने उसको। सो गाइस चलो आप घर की ओर चलते हैं, और यहाँ पे भाई हम लोग मारने वाले हैं तीर वगैरह, तो अभी हमने पकड़ लिया है MT15, इसका देखो मीटर जो है डेड हो चुका है, और अभी हेलमेट को जो है थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरा ही बंद कर लेते हैं,
चलो भाई चलो जल्दी। चला रहा था और इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा मुझे कम था, इसलिए इसमें लीन तो नहीं लग रही थी, लेकिन जितना भी हो सकता था मैंने उतना किया, लेकिन मेरे से इसमें लीन नहीं लग रही थी भाई, इसको ज़्यादा नहीं झुका पा रहा था। R15 काफ़ी ज़्यादा झुका देता हूँ मैं, लेकिन इसमें भी चलाने में मज़ा आया और सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। क्या ही मज़ा आ रहा भाई, क्या ही मज़ा आ रहा, क्या फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग उरई में, और यहाँ पे देखो नाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई साहब, खतरनाक राइड होती है कंप्लीट। और कैसा लगा आपका आज का ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, अगर जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट करो, और अगली रेस कैसे करते हैं वो भी कमेंट करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।